17 नवंबर 2017 के दिन कॉर्पोरल ज्योति की बेटी जिज्ञासा अचंभे में थी कि उसके पापा उसका फोन क्यों काटे जा रहे हैं, वो तो कभी ऐसा नहीं करते। उधर उसके पापा ब्रीफिंग रूम से निकलते ही सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन पर व्हाट्सएप कॉल करते हैं। उधर से जिज्ञासा फोन उठाती है। पापा पापा, आप घर कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे कहानी कब सुनाओगे? मैं जल्दी ही आऊंगा बेटा, मुझे 4 बजे उठना है और अब आपको भी सो जाना चाहिए। फिर ज्योति अपनी बेटी को मनाने लगते हैं कि वो फोन अपनी मम्मी को दे दे। कई मिनट और ढेर सारे खिलौने दिलाने का प्रॉमिस लेने के बाद जिज्ञासा फोन अपनी माँ को दे ही देती है, लेकिन सुषमा की अपने पति से मुश्किल से 2 मिनट ही बात हो पाती है, क्योंकि आज की रात कॉर्पोरल ज्योति के पास सोने के लिए 3 घंटे से भी कम का समय बचा था। अगले दिन की सुबह जल्दी कॉर्पोरल ज्योति और उनके 18 कमांडो साथी 13 राष्ट्रीय राइफल की हाई सिक्योरिटी बेस पर पहुंच चुके थे, जहां से उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स की एक टीम के साथ टारगेट एरिया के लिए निकलना था। मनसबल में स्थित 13 RR के बेस पर पहुंचने के बाद और भी कई डिटेल्स ब्रीफिंग होती हैं और निर्णय लिया जाता है कि जंगी और महमूद को पकड़ने के लिए 2 कमबैक टीम डे टाइम ऑपरेशन को अंजाम देंगी। इस ऑपरेशन के लिए 2 स्क्वाड्स बनाए जाते हैं। पहले स्क्वाड में 11 गरुड़ कमांडो थे और इसका नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर राजीव चौहान को करना था। दूसरे स्क्वाड में RR के 13 ऑफिसर्स थे, जिनका नेतृत्व RR के आर्मी मेजर को ही सौंपा गया था। 617 गरुड़ फ्लाइट पिछले 1 महीने से इसी दिन की तैयारी में लगी हुई थी। वहां खजिंग ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों से मिले हुए फोन की जांच में गरुड़ को चंदरगीर का रास्ता पहले ही दिखा दिया था। गांव के कुछ घरों को गरुड़ ने सर्विलेंस पर डाला हुआ था और आतंकी गतिविधियों पर इंटेलिजेंस इकट्ठी करने के लिए सिविलियंस के भेस में रोजाना रिकाउंटेंट्स को गांव में भेजा जा रहा था। अपने टारगेट एरिया का अध्ययन करने के लिए गरुड़ की पेट्रोलिंग टीम्स कई दिनों से 1500 लोगों की आबादी वाले चंदरगीर गांव की फोटोज और वीडियो भी ले रहे थे। 18 नवंबर 2017 दोपहर का समय दो खटारा से सिविलियंस ट्रक 13 RR के बेस से चंदरगीर के लिए धीमी गति से निकल पड़ते हैं और आगे वाला ट्रक पीले रंग के तिरपाल से ढका हुआ था और उसमें 11 गरुड़ कमांडो सवार थे। CO स्क्वाड्रन लीडर राजीव आगे वाली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे। सभी गरुड़ों ने लोकल कश्मीरी पोशाक पहरान पहनी हुई थी। पीछे बैठे हुए कॉर्पोरल ज्योति इस स्क्वाड का सबसे घातक और शक्तिशाली हथियार मेड इन इजराइल NEGEV के लिए बैठे थे और बार बार एक ही बात बोले जा रहे थे। आज मिलिंद और मिलेश का बदला लेना है, बहुत इंतजार किया है, जितने ज्यादा आतंकी मिले उतना ही अच्छा। उनके बगल में बैठे साजन संदीप कुमार अपने हाथों में TAR-21 राइफल लिए बार बार हाँ में सर हिलाए जा रहे थे। 617 गरुड़ फ्लाइट्स के कॉन्टैक्ट अभी भी चंदरगीर में ग्राउंड पर एक्टिव थे और 13 RR के बेस से निकलने से ठीक पहले स्क्वाड्रन लीडर राजीव के पास एक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट आता है। उनको बताया जाता है जंगी और महमूद के साथ 4 आतंकी और छिपे हैं। कहने का मतलब ये है कि ठीक आखिरी समय पर ये ऑपरेशन 3 गुना और ज्यादा मुश्किल और 3 गुना ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अपने बीच 100 मीटर का फासला बनाए हुए दोनों ट्रक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चंदरगीर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी गरुड़ कमांडो चुपचाप बैठे हुए थे। अगर कोई कुछ बोल भी रहा था तो बस ऑपरेशन की बात करने के लिए। ठीक 3:27 पर दोनों ट्रक चंदरगीर के बाहर पहुंच जाते हैं और गांव के शुरुआती घरों के बाहर से होते हुए उन घरों से थोड़ी दूर पर रुक जाते हैं जहां जंगी और महमूद को देखा गया था। ग्राउंड इंटेलिजेंस ने 6 घरों को टारगेट एरिया के रूप में आइडेंटिफाई किया था। ये 6 घर एक दूसरे के आसपास थे और आतंकी इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा घरों में हो सकते थे। गरुड़ और 13 RR की दोनों टीम्स अपने अपने ट्रक से उतर के उन 6 घरों के समूह को घेराबंदी करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। स्क्वाड्रन लीडर राजीव और 13 RR का मेजर अपने 22 लोगों को लेकर फटाफट उन 6 घरों के समूह के चारों तरफ चौड़ा सा घेरा बिछा देते हैं। कॉर्पोरल ज्योति और उनके बड़ी कॉर्पोरल देवेंद्र मेहता को ऐसा स्क्वाड दिया जाता है जहां से आतंकियों के बचकर भागने की सबसे ज्यादा संभावना थी। इन घरों में कितने आतंकी छिपे हुए हैं ये तो कुछ मिनटों में पता चलने ही वाला था। घेरा बिछने के बाद
13 RR और गरुड़ के ये फौजी अपनी सांसें रोककर इंतजार करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद गरुड़ के 2 स्क्वाड्स यानी कि 4 कमांडो उन घरों की तरफ दबे पांव बढ़ना शुरू कर देते हैं। स्क्वाड्रन लीडर राजीव के किसी भी तरह के एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें पता था कि आतंकी इन्हीं 6 घरों में छिपे हुए हैं और अब तक उन्हें टिप ऑफ भी मिल गया होगा कि आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। स्क्वाड्रन लीडर राजीव का यह अंदाजा एकदम सही निकला कि एक्शन के लिए गरुड़ और 13 RR को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता। घेराबंदी के ठीक 7 सेकंड बाद उन घरों की तरफ से पहली गोली प्रकट होती है और एक गरुड़ कमांडो के कान के पास से गुजर जाती है और चंद्रगिर की शांतिपूर्ण वादी AK-47 के शोर से गूंज उठती है। 13 RR की टीम भी उन घरों की तरफ फायरिंग करते हुए घेरे पसना शुरू कर देती है। तभी 3:40 पर एक घर से एक आतंकी फौजियों की तरफ अंधाधुंध गोलियां लगातार चलाता है। 1 सेकंड के अंदर अंदर एक गरुड़ कमांडो रिटर्न फायर करके इस आतंकी को मार देता है। अब एक आतंकी तो खत्म हो चुका था, लेकिन अभी कितने और आतंकी उन घरों में छुपे हुए हैं ये कहना मुश्किल था। लेकिन यदि इंटेलिजेंस 100% थी तो कम से कम 5 आतंकी और बाकी थे। पहले आतंकी के गिरने के 90 सेकंड बाद 5 और आदमी उसी घर से बाहर की तरफ छलांग लगाते हैं और अपने से 20 मीटर दूर घेराबंदी किए हुए फौजियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। इनमें से 2 आतंकियों की AK-47 की बैरल पर अंदर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी लगे हुए थे, जिसका मतलब ये था कि गोलियों के साथ साथ ये फौजियों के ऊपर ग्रेनेड भी बरसा रहे थे। एक ग्रेनेड कॉर्पोरल ज्योति और कॉर्पोरल देवेंद्र के पास जाकर फटता है और खुद को बचाने के लिए दोनों गरुड़ों को 0.5 सेकंड से भी कम समय में छलांग लगाते हुए कवर लेना पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए 5 आतंकी एक साथ एक कॉलम बनाते हुए उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं जिस दिशा में कॉर्पोरल ज्योति और देवेंद्र ने पोजीशन ली हुई थी। मतलब ये कि सबसे पहले इन दोनों कमांडो का ही आतंकियों के साथ सामना होता है। अपनी पोजीशन से कॉर्पोरल ज्योति देखते हैं कि आतंकी उनसे केवल 10 मीटर की ही दूरी पर रह गए हैं और कुछ क्षणों में वे आमने सामने होंगे, लेकिन अंधाधुंध गोलियों के बीच उनकी आंखों के सामने मिलिंद और नीलेश के चेहरे चमकने लगते हैं। कुछ महीने पहले इन्हीं आतंकियों से मुठभेड़ में अपने गरुड़ कमांडो दोनों दोस्तों को खो दिया था। कॉर्पोरल ज्योति अचानक कवर छोड़ अपने NEGEV के साथ सीधा आतंकियों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ज्योति, ये तू क्या कर रहा है? वापस आ जा, अपना कवर ले ले। लेकिन कॉर्पोरल ज्योति आतंकियों के ऊपर गोलियों की बरसात कर देते हैं। कॉर्पोरल ज्योति की गोलियां सबसे आगे वाली आतंकी की छाती पर जाकर लगती है और वह जमीन पर जा गिर पड़ता है और बाकी के 4 आतंकियों को कुछ भी समझ नहीं आता और वो हड़बड़ाहट का शिकार हो जाते हैं। इस पॉइंट पर कॉर्पोरल ज्योति की कोशिश थी कि किसी भी कीमत पर इनमें से एक भी आतंकी बचकर ना निकल जाए। अपने साथी देवेंद्र को कहते हैं, मुझे कवर करो देवेंद्र। कॉर्पोरल ज्योति बाकी के आतंकियों की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी उनकी नजर एक आतंकी पर पड़ती है। ये कमांडर महमूद था। कॉर्पोरल ज्योति से बचने के चक्कर में महमूद का पैर नीचे पड़ी जंगी की बॉडी से उलझ पड़ता है और वो जैसे ही नीचे गिरता है कॉर्पोरल ज्योति अपनी NEGEV का ट्रिगर दबा देते हैं और आतंकी महमूद को भी मार गिराते हैं। पहली गोली चलने के 9 मिनट के अंदर अंदर कश्मीर की मोस्ट वांटेड फाइल से 2 बड़े नाम साफ हो चुके थे, लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। बचे हुए 3 आतंकी जो महमूद के पीछे थे कॉर्पोरल ज्योति की गोलियों से घायल हो चुके थे। कॉर्पोरल ज्योति को देखकर पूरी तरह घबराए हुए ये 3 आतंकी अपनी जान बचाने के लिए दाहिनी तरफ एक गड्ढे में कूद जाते हैं। कॉर्पोरल ज्योति अपनी NEGEV से फायर करते हुए गड्ढे की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी गड्ढे में छिपा एक आतंकी अपनी AK-47 ऊपर करके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है और उसकी गोलियां कॉर्पोरल ज्योति को आकर लग जाती हैं। कॉर्पोरल ज्योति नीचे गिरते गिरते अपनी मैगजीन से बची हुई सारी की सारी गोलियां गड्ढे में खाली कर डालते हैं। गड्ढे के अंदर चीख पुकार सी लग जाती है कि तभी स्क्वाड्रन लीडर राजीव भी एक हाथ से फायरिंग करते हुए वहां आते हैं और दूसरे हाथ से एक ग्रेनेड उस गड्ढे में फेंक देते हैं। 12 मिनटों के अंदर अंदर 617 गरुड़ फ्लाइट ने 6 आतंकियों को मार गिराया था। ये ऑपरेशन हर मायने से अत्यंत सफल ऑपरेशन था।
लेकिन फिर भी आज गरुड़ के पास खुशी मनाने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना एक और होनहार साथी जो खो दिया था। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला वीरगति को प्राप्त हुए। बिहार में जन्मे 31 वर्षीय इस वीर ने इस देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उधर जब स्क्वाड्रन लीडर राजीव सुषमा को ये समाचार देते हैं तो फोन लाइन के ऊपर एकदम से सन्नाटा छा जाता है और कुछ सेकंड बाद दूसरी तरफ से आवाज आती है, उन्होंने मिलिंद और नीलेश का बदला तो ले लिया ना, बस तो फिर वो हंसते हंसते ही ऊपर गए होंगे। ये कहकर सुषमा फूट फूट कर रोने लगती है। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधे पर थी। ऐसी ही एक जिम्मेदारी थी एक छोटी बहन शशिकला की शादी करना, और कॉर्पोरल ज्योति खुद भी अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे। कॉर्पोरल ज्योति के जाने के बाद उनके पिता तेज नारायण सिंह बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे और वो बेटी के भविष्य के लिए इसी कारण चिंतित रहने लगे थे। लेकिन कॉर्पोरल ज्योति की आत्मा तो एकदम निश्चिंत ऊपर बैठी हुई थी। उन्हें पता था कि उनसे भी ज्यादा प्यार करने वाले उनकी इस बहन के और भी कई भाई हैं, जो इसकी बिल्कुल वैसे ही शादी करेंगे जैसी कि वो खुद चाहते थे। गरुड़ कमांडो फोर्स का हर एक कमांडो कॉर्पोरल ज्योति की बहन की शादी के लिए योगदान देता है और शादी के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। जुलाई 2019 में इन पैसों से शशिकला की शादी बड़ी ही धूमधाम से की जाती है और जब विदाई का समय आता है तो ये कमांडो भाई अपनी लाडली बहन को जमीन पर पैर तक नहीं रखने देते, बल्कि उसके लिए अपनी हथेलियां जमीन पर बिछा देते हैं।